हेलो दोस्तों, मैं नकुल कुमार, आपके अपने परिवार एबीएन कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज आपके लिए लेके आए हुए हैं हम डिफरेंशिएशन के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को आप पूरा देखिएगा और यह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाली है। चलिए ठीक, चलिए शुरू करते हैं। देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंशिएशन का, आपका हम साइन कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है। चलिए इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करेंगे, लेट माना कि वाई बराबर साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो डिफरेंशिएशन सिंपल, इसका डिफरेंशिएशन है, देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, अब इसको भी डिफरेंशिएशन करना है, डी साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, ठीक है, डी एक्स हो गया। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, ध्यान दीजिएगा, डी साइन, ठीक है, यहाँ पर जो टोटल होगा लिखेंगे यहाँ पर पहले, लेकिन कॉस एक्स स्क्वायर, कॉस एक्स स्क्वायर बाटा डी कॉस एक्स स्क्वायर। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा डी कॉस एक्स स्क्वायर बटा डी कॉस क्या डी एक्स स्क्वायर, फिर इसका डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। सिंपल सी इतनी ट्रिक है, बहुत ही आसान है, आपको समझ में आना चाहिए, जो क्या जिसके रिस्पेक्ट में करना हुआ यहाँ तक लास्ट उस रिस्पेक्ट में आ गया, ठीक है। देखिए डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो हम कॉस साइन इंटू कॉस एक्स स्क्वायर जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये टोटल क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यहाँ से किसके रिस्पेक्ट में, एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में। अब एक्स स्क्वायर जो डिफरेंशिएशन करेंगे हम, वह एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा यहाँ हो जाएगा कॉस, हो गया यहाँ पर कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा इसका हो जाएगा माइनस साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन होगा, उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा एक्स का है तो टू एक्स, ठीक है। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन कर दिए तो अब सबको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो सबसे पहले बात है कि कॉन्स्टेंट जो अचर मान है इसको पहले लिख देते हैं, ठीक है, टू एक्स एस, टू एक्स है तो टू एक्स लिखेगा। अब उसके बाद आप देखिए इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले लिखते माइनस यहाँ पर साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, यह आपका आंसर हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप लिख सकते हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन आते हैं, आपका एक अगला क्वेश्चन है, अब ध्यान दीजिएगा, ये आपको सूत्र याद रखना होगा, सूत्र हम इसके बाद का जो वीडियो है उसमें दे देंगे, ठीक है, इसको मिटाते हैं। दूसरा का क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन है साइन, दूसरा क्वेश्चन साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यह है। तो अब देखिए हम दूसरा क्वेश्चन हो गया, अब इसका जो हम इंटीग्रेशन करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, तो पहले हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, क्या होगा साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव होगा। अब डिफरेंशिएशन, ठीक, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x, x के सापेक्ष में हम अभी करें इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। तब देखिए डी वाई बाई डी एक्स, ऐसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव बटा डी एक्स, ठीक है, रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ देखिए डी साइन एक्स स्क्वायर प्लस पाँच फाइव बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, फिर इंटू डी एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू डी एक्स, ठीक है। तब यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, साइन का कॉस होता है कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इंटू आपका, यहाँ देखिए ये दो भागों में बढ़ जाता है, ये हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स प्लस डी फाइव बटा डी एक्स, ठीक है।
अब इसका जो डिफरेंशिएशन होगा, आप देखिए कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, ये जस का तसर, इसका डिफरेंशिएशन 2x और इसका डिफरेंशिएशन कोई भी कांस्टेंट टर्म होता है जब उसका डिफरेंशिएशन होता है तो हमेशा जीरो आता है, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा, टू कॉस, ऐसे लिख देते हैं कॉस एक्स स्क्वायर प्लस फाइव इन टू टू एक्स, ठीक है। इसको आगे लिखेंगे, इसको आगे लिख देते हैं, टू है तो यहाँ पर टू एक्स कॉस एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फाइव, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लिखिए और इसको इस आंसर लिखिए। दूसरा क्वेश्चन आपका है कॉस इंटू साइन एक्स, दूसरा क्वेश्चन आपका है कॉस इंटू साइन एक्स, लिख लीजिए, चलिए मिटाते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका है कॉस इंटू साइन एक्स, यह क्वेश्चन तीन नंबर होगा, तीन नंबर होगा। इसमें है कॉस इंटू साइन एक्स, ठीक है। तो देखिए फिर लेट वाई इक्वल टू कॉस साइन एक्स डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस साइन एक्स बटा डी एक्स, इसका डिफ्रेंसिएशन तोड़ कर कर रहे हैं तो डी कॉस साइन एक्स बटा डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बटा डी एक्स, ऐसे हम क्यों लिख रहे हैं, देखिए आप ध्यान दीजिएगा। अब इसको मंगाना है तो इसको इसको हम कैंसिल कर दें यहाँ से और यहाँ से, तो ये आ जाएगा, आ जाएगा नहीं, इसलिए इसको हम इस पार्ट में लिख दें, ठीक है। अब इसका अलग अलग डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो थोड़ा सा आसानी होती है और बहुत ही अच्छा से आपको समझ में आ जाता है। देखिए कॉस का जो डिफ्रेंशिएशन था वो माइनस साइन इंटू साइन एक्स होगा, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में, यहाँ साइन एक्स के रिस्पेक्ट में है, यहाँ एक्स के रिस्पेक्ट में है, ठीक है। अब यहाँ पर यह हो जाएगा कॉस एक्स, ठीक है। तो आप यहाँ दीजिए, देखिए अब हो गया, अब इसको हम डिफरेंस क्या करते हैं, गुना करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो कॉस एक्स माइनस इंटू साइन एक्स, आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। ब्रैकेट में होगा साइन एक्स, चलिए आप इसको उतारिए, दूसरे का क्वेश्चन हम लिखते हैं। दूसरे का क्वेश्चन आपका है साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी, दूसरा क्वेश्चन आपका है, दूसरा क्वेश्चन साइन, यह क्वेश्चन हो जाएगा चौथा, साइन इंटू ए एक्स प्लस बी, फिर वही लेट वाई इक्वल टू साइन इंटू ए एक्स प्लस बी डिफ्रेंसिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स, डी साइन एक्स साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी बटा डी, ठीक है, ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए साइन का डिफ्रेंसिएशन हमेशा कॉस होता है, कॉस इंटू ए एक्स प्लस बी इंटू ब्रैकेट है, ठीक है। यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो दो भाग बढ़ जाएगा, डी ए एक्स बटा डी एक्स प्लस हो जाएगा डी बी बटा डी एक्स, ठीक है। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है, तो इसका जो मान होगा ए एक्स प्लस बी इंटू इसका हो जाएगा ए हो जाएगा और इसका हो जाएगा जीरो, ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए इसको आप लिख सकते हैं, इसके साथ ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका छठा है, छठा आपका क्वेश्चन है, चलिए इसको मिटाते हैं। छठा क्वेश्चन आपका है, चलिए छठा क्वेश्चन है सेक, चौथा पांचवा या पांचवा क्वेश्चन हुआ, ठीक है, सेक टेन रूट अंडर एक्स, यही आपका क्वेश्चन है। चलिए इसको बताते हैं, लेट वाई इक्वल टू सेक इंटू टेन इंटू रूट अंडर एक्स इंटू, चलिए डिफ्रेंसिएशन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको लिख दें तो अब यहाँ देखिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स होगा, यहाँ पे देखिए इसका डिफ्रेंसिएशन तो यहाँ हो जाएगा डी सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू बटा डी एक्स। अब इसका डिफ्रेंसिएशन जो करेंगे हम, यहाँ देखिए ध्यान से
यहाँ अब हम लिखेंगे जो होगा क्या होगा sec, और उसके बाद tan है तो tan लिखेंगे tan, उसके बाद क्या है आपका रूट एक्स है तो रूट एक्स लिख देंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे। बाटा में आपको ये टोटल नीचे लिखना है, क्या लिखना है ये टोटल नीचे लिखना है, ये वाला टोटल नीचे लिखना है आपको, यहाँ पर लिखना है tan रूट अंडर एक्स, ठीक। फिर अब इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे लिखा, क्या हो गया यहाँ पर डी टेन, तो यहाँ भी डी टेन रूट एक्स हो गया, ठीक। अब यह किसके रिस्पेक्ट में होगा, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, किसके रूप में क्या है डी यहाँ है तो रूट अंडर में जो डिफ्रेंशिएशन होगा यहाँ नीचे क्या हो जाएगा रूट एक्स हो जाएगा। फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो लिखेंगे रूट एक्स बटा डी एक्स, ठीक है। चलिए अब सबका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो सेक का जो डिफ्रेंशिएशन होता है आपका सेक इंटू टेन, ठीक है। सेक का डिफ्रेंशिएशन जो होता है सेक टोटल है तो टोटल होगा, ठीक है, टेन रूट एक्स, फिर टेन अंडर देखिए टेन रूट एक्स, ठीक है। ये हो इसका डिफ्रेंशिएशन हुआ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन आएंगे कि रिस्पेक्ट टू एक्स के में, ठीक है, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में। तब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा आपका सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका डिफ्रेंशिएशन देखिए पहले हम इसको क्या करते हैं, इसको एक्स बटा एक बटा टू के रूप में कर देते हैं, क्योंकि इस जो होता है रूट का मतलब एक बटा दो होता है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आगे ले चलते हैं, सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, ठीक है, इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे एक बटा टू एक्स पर पावर एक माइनस ये होता है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन ये हो गया, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे हम तो क्या आएगा, ध्यान दीजिए, सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन रूट एक्स इंटू, ऐसे लिख देते इसको सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा एक बटा दो एक्स माइनस एक बटा दो, ठीक है। तब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा आगे लिख करते हैं, सेक इंटू टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू, यहाँ पे देखिए ये अब ये हो जाएगा एक बटा टू इंटू वन बटा रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि जब किसी भी पावर होता है तो बटा में लिखा जाता है। तब इसका देखिए सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ठीक है। अब ये हो जाएगा बटा में आएगा तो ये बटा में लिख सकते हैं टू रूट टू एक्स टू रूट एक्स, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चले आप इसको उतार सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लिखते हैं, तब तक आप लोग इसको, चलिए आपका अगला क्वेश्चन है, मिटा दी इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन आपका है वो है साइन एक्स साइन, ये आपका अगला क्वेश्चन है, ये क्या नंबर हो जाएगा आपका छठा हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका साइन इंटू ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी, चलिए इसका हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए अब लेट वाई इक्वल टू साइन ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी। चलिए यहाँ एक चीज़ ध्यान देना है कि कोई भी y बराबर डी बाई वी हो, ठीक है, डी बाई वी मान लेते हैं, डी बाई वी चाहे कोई यू बटा भी मान लेते हैं, ठीक है, यू बटा भी। तब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा डी वाई बाई डी एक्स रिस्पेक्ट एक्स के रूप में, तो क्या होगा कि पहले वी को छोड़ा जाता है डी यू माइनस, ठीक है, डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, माइनस फिर अब क्या होगा यू को छोड़ा जाएगा और डी वी बाई डी एक्स, यही आपका डिफ्रेंशिएशन होता है। अब बाटा में आपका जो होगा वो लिख देंगे, ठीक है, जो बाटा में है आपका क्या होगा बाटा में कॉस अब जो है उसको लिखेंगे, ठीक है। चलिए आप इसको एक बार बना के देखिए तब हम बनाते हैं, ठीक है। इसका जो डिफ्रेंशिएशन हुआ डी वाई बाई डी एक्स, जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तब यहाँ होगा कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू डी
साइन ए एक्स प्लस बी बटा डी ए एक्स प्लस बी इंटू डी ए एक्स प्लस बी बटा आपका हो जाएगा डी एक्स। दूसरा का आपका इसी में देखिए प्लस माइनस है ना, यहाँ माइनस होगा माइनस कॉस, तो यहाँ पर अब लिखेंगे डी आपका हो जाएगा, ऐसे पहले छोड़ देते हैं इसको ठीक है, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी कॉस सी एक्स प्लस डी बटा डी एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे सी एक्स प्लस डी इंटू आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा डी सी एक्स प्लस डी ठीक है बटा डी एक्स ठीक है। और टोटल के बटा में हो जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी ठीक है। चलिए अब इसे आपको कि इसमें जो होगा इसका डिफरेंस यहाँ ध्यान दीजिए कि अब इसका जस्ट तस इसको लिखेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी ठीक है। साइन एक्स है, साइन एक्स का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो होता है कॉस, इसके साथ ए एक्स प्लस बी है ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो इनटू ए होगा ठीक है। अब उसी तरह माइनस साइन है तो यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी हो गया ठीक है। अब कॉस का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन माइनस साइन सी एक्स प्लस डी ठीक है। उसी तरह फिर इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो यहाँ सी होगा ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं बाटा में क्या हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी ठीक है, कॉस सी एक्स प्लस डी हो गया, इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए इसको सही से लिखेंगे तो हो जाएगा ए ए कॉस सी एक्स अब यहाँ देखिए ए कॉस सी एक्स, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक भी लिख सकते हैं या हम इसको काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं ठीक है, इसको इस तरह रहने दें ठीक है। सी एक्स प्लस डी ठीक है इनटू आपका यहाँ हो जाएगा कॉस कॉस ए एक्स प्लस बी ठीक है। अब इसको हम लिखेंगे तो ये तो हो गया, अब देखिए माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ देखिए ये साइन है तो साइन ए एक्स प्लस बी और साइन सी एक्स प्लस डी ठीक है, यहाँ पर सी है तो हम इसको सी यहाँ कर देते हैं ठीक है। अब बाटा में क्या हो जाएगा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं आपस में, अब इससे भाग देंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट हम ऐसे लिख सकते हैं ए सी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं एक्स के, यहाँ पर हम बताते हैं आपको कैसे लिखा जाएगा सुन ठीक है। ए कॉस सी एक्स प्लस डी ठीक है इनटू ये हो जाएगा आपका कॉस ए एक्स प्लस बी बटा कॉस सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बटा आपका कॉस सी एक्स प्लस डी हो जाएगा ठीक है। तो यहाँ ध्यान दीजिए अब इसका जो डिफरेंस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा ये ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ए कॉस ए एक्स प्लस बी ठीक है प्लस सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सेक ए एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, आप इसको लिख लीजिए। चलिए अब इसको मिटाते हैं, आगे का क्वेश्चन बताते हैं आपको ठीक है। चलिए उतार लिया, अब सेवन नंबर क्वेश्चन है आपका, कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव ठीक है। अब ध्यान दीजिए अब ये हो गया, अब इसको हम क्या करेंगे वाई
बराबर मान लिया, लेट कर लेते हैं, लेट वाई इक्वल टू कॉस एक्स क्यू इंटू साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव। जब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा तो आप ध्यान दीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन प्लस दो भागों में हो जाता है, ठीक है। एक को हम क्या कर देंगे, एक को छोड़ेंगे तो एक करेंगे, एक को छोड़ेंगे तो एक करेंगे। तो पहले हम किसी को कर लेते हैं, देखिए अब डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, एक बार हम क्या करते हैं इसको छोड़ते हैं फिर इसको करते हैं, तो इसको लिख देते साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव इंटू कॉस एक्स क्यू बटा आपका हो जाएगा डी एक्स, प्लस उसी तरह आपका यहाँ हो जाएगा साइन, तो ये पहले आप कॉस को छोड़ देते हैं, ठीक है, कॉस क्यू, अब डी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव बटा डी एक्स। तब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा, आप ध्यान दीजिए इसका डिफ्रेंशिएशन साइन है तो साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव इंटू, अब इसका डिफ्रेंशिएशन डी कॉस कॉस एक्स क्यू बटा डी एक्स क्यू इंटू डी एक्स क्यू बटा डी एक्स, ठीक है, प्लस आपका यहाँ पर हो जाएगा कॉस एक्स क्यू इंटू डी साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव, तो यहाँ हो जाएगा डी साइन एक्स पर पावर फाइव, ठीक, इंटू डी आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए साइन एक्स पर पावर फाइव बटा डी एक्स पर पावर फाइव इंटू डी एक्स पर पावर फाइव बटा डी एक्स। चलिए अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका आएगा, देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव, अब इसका डिफ्रेंस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस होता है तो माइनस क्या हो जाएगा कॉस, कॉस का क्या होता है साइन होता है, ठीक है, साइन एक्स क्यू, ठीक है, अब इंटू हो जाएगा थ्री एक्स, ठीक है, स्क्वायर थ्री एक्स स्क्वायर, प्लस अब इसका जो डिफ्रेंशिएशन होगा कॉस एक्स क्यू इंटू इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा तो इंटू टू साइन एक्स पर पावर फाइव, ठीक है। अब उसके बाद आएगा साइन का नहीं है अभी टू का है, ठीक है, अब आते हैं इंटू, अब किसका होगा साइन का होगा तो साइन का कॉस एक्स पर पावर फाइव, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक्स का तो फाइव एक्स पर पावर फोर हो जाएगा, ठीक है। अब इसका आपस में आप गुना कीजिएगा तो क्या जाएगा थ्री एक्स स्क्वायर इंटू, ऐसे पहले इसको लिख देते हैं, ठीक रहेगा, लिखते हैं फाइव एक्स पर पावर फोर इंटू कॉस एक्स क्यू, यहाँ तीन है, यहाँ देखिए पाँच है, यहाँ दो है, तो कितना हो जाएगा पाँच और दो कितना हो जाएगा दस हो जाएगा, दस हो गया, पाँच और दो में गुणा किया दस हो गया, दस एक्स पर पावर फोर, अब हो गया फोर कॉस एक्स क्यू, अब हो जाएगा आपका साइन एक्स पर पावर फाइव, अब आपका हो जाएगा यहाँ पर फिर कॉस है तो कॉस एक्स पर पावर फाइव हो गया। अब आते हैं प्लस में, आपका क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ लिखें क्योंकि माइनस है, माइनस में गुणा करें तो माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, उसके बाद क्या हो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर फाइव एक्स, ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स पर पावर फाइव इंटू आपका हो गया साइन एक्स क्यू, ठीक है। अब साइन एक्स क्यू हो गया तब आप देख लीजिए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर चलिए सही है आप लोग देख लीजिए, ठीक है, अब ये सही है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, चलिए आप इसको उतार सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अब आठ नंबर आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, आप लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए आठ नंबर क्वेश्चन है आपका, रूट टू टू रूट कॉट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, कॉट एक्स स्क्वायर है, ठीक है। चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, लेट वाई बराबर टू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है, बटा डी एक्स।
जब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर रहता है, कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर रहता है, तो रूट कॉट एक्स स्क्वायर बटा यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ देखिए कॉट एक्स स्क्वायर फिर इंटू डी कॉट एक्स स्क्वायर, तब यहाँ पर इसका हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर, फिर आपका यहाँ हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर बटा डी एक्स। ठीक है, अब आप इसको लिख सकते हैं और आप डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो देखिए ये रूट का मतलब एक बटा दो होता है, तो हम इसको क्या कर दे, एक बटा दो कर दे, तो एक बटा टू रूट में है, जिसको हम लिख सकते हैं कॉट एक्स स्क्वायर पावर में माइनस एक बटा दो आएगा इसका। ठीक है, और इनटू कॉट का क्या होता है, कॉट का कोसेक, कोसेक स्क्वायर एक्स आता है, कोसेक स्क्वायर एक्स हो गया, कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू आपका टू एक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, इसको एक बटा टू रूट कॉट एक्स स्क्वायर, क्योंकि पावर में जब माइनस रहता है एक बटा दो के रूप में, तब उसको हम बटा में लिखते हैं रूट के अंदर के रूप में। ठीक है, अब इसका क्या मान हो जाएगा, इसका तो कॉस हो गया, तो इसको लिख सकते हैं टू एक्स इंटू कॉसेक एक्स स्क्वायर। ठीक है, जब इसका मान इतना होगा तो इसको लिख सकते हैं टू एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, बटा टू रूट अंडर कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से टू कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटा रूट अंडर कॉट 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 एक्स स्क्वायर। चलिए ये आपका आंसर हो गया, आप लिख सकते हैं इसको। चलिए अब आठ का आते हैं, चलिए आठ का इसको आप और भी इसका एक और आंसर आ सकता है। ठीक है, आप लोग देखिए एनसीईआरटी में दूसरा आंसर एक और दिया, तो आप इसको सोल्व करके आंसर ला सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए अब आठ नंबर आपका क्वेश्चन, नौ नंबर क्वेश्चन है, नौ नंबर क्वेश्चन आपका है। ठीक है, नौ नंबर में क्वेश्चन है कॉस रूट अंडर एक्स, तो लेट वाई इक्वल टू कॉस रूट अंडर एक्स, अब डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस रूट एक्स बटा डी एक्स, तो इसको लिख सकते हैं डी कॉस रूट एक्स इंटू बटा में, अब क्या होगा डी रूट एक्स इंटू आपका हो जाएगा यहाँ पर रूट एक्स बटा एक्स। ठीक है, रूट एक्स हो गया, अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा माइनस साइन रूट एक्स, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा एक बटा टू इंटू वन बटा रूट एक्स। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं माइनस साइन रूट एक्स बटा टू रूट एक्स। चलिए इसको लिख सकते हैं आप, यही आपका आंसर होगा। चलिए इसके बाद दसवां क्वेश्चन आपको बताते हैं। ठीक है, दस नंबर क्वेश्चन है, दस नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दस नंबर क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं दस नंबर क्वेश्चन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ गिवेन बाई, तो देखिए प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन, दैट द फंक्शन फंक्शन, इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं फंक्शन। ठीक है, फंक्शन एफ गिवेन बाई, ठीक है, तो गिवेन है तो एफ ऑफ एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस वन मोड, ठीक है, एक्स जो है वह रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसको हम कह रहे हैं इज नॉट डिफेंटिबल एट एक्स, क्या है इज नॉट डिफेंटिबल बस एक्स, यानी एक्स बराबर एक को क्या करना डिफेंटिबल बताना है। ठीक है, यही है, अब हम इसको बनाते हैं। आप देखिए इसमें जो गिवेन है वो लिख लीजिए। ठीक है, गिवेन, गिवेन आपका दिया हुआ है, दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स,
एफ ऑफ एक्स बराबर एक्स माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एफ ऑफ एक्स की जगह क्या लिखें, एक रखते हैं। ठीक, एक रखेंगे तो वन माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका जीरो आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हुआ। अब आते हैं, यहाँ से चलते हैं, सॉल्यूशन यहाँ शुरू होता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट, पहले राइट हैंड लिमिट चलते हैं, राइट हैंड लिमिट। ठीक, राइट हैंड लिमिट चलेंगे तो देखिए एफ ऑफ वन बराबर, जो एफ ऑफ वन है उसके बराबर हम रखेंगे। ठीक है, तो एफ ऑफ वन बराबर ऐसे डैश करके लिख देंगे। ठीक है, डैश, ठीक है, यहाँ पे एफ सही से लिख देते, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, एफ हो गया, एफ डैश, तो यहाँ पर वन हो गया। अब इसको हम एच टेंस टू लिमिट है, लिमिट एच टेंस टू जीरो। अब हमको क्या करना है कि एफ ऑफ वन प्लस एच बटा, अब आपका जो होगा वह माइनस एफ, यहाँ सही से दिखा दीजिए। ठीक है, डैश है और यहाँ पर होगा एफ वन। ठीक है, अब बटा में आ जाएगा, आपका जो होगा एच हो जाएगा। ठीक है, बटा में आपका एच हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या किए, यहाँ पर जो मान है उसको हम इसमें रखते हैं, पुट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसे लिख देते हैं, लिमिट एच टेंस जीरो। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, एफ डैश है, जो एफ है वह हम क्या रख देंगे पूरा लिमिट्स के लिए, तो आपका जो मान है वो क्या हो जाएगा, वन प्लस एच माइनस वन। ठीक है, सही है, वन प्लस एच माइनस वन बटा एच। अब यहाँ ध्यान दीजिए, और इसको ऐसे, इसको यहाँ पर जीरो कर देते, ठीक रहेगा, मोड के रूप में देगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, आपस में हम घटाएंगे तो क्या बचेगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो, यहाँ से ये कैंसिल होगा तो एच अपॉन एच बच जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लिखेंगे तो वन होगा। लेकिन अब आते हैं राइट हैंड साइड पर, ठीक है, क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट से आते हैं। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट चल देते, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो इसमें हम आप क्या करेंगे, एच डैंस, ठीक है, एफ डैंस वन, ठीक, एफ डैंस वन रख लिए, उसके बाद लिमिट लिमिट एच टेंस जीरो। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि जब हम एफ, ठीक है, एच तो वन माइनस एच, ठीक है, अब आपका होगा एफ ऑफ वन, ठीक है, बटा एच हो गया। ठीक, जब इसको हम क्या किए, लिमिट हटा जाएंगे, तो लिमिट हटा, इसको मिटा देते हैं अब यहाँ से थोड़ा सा। ठीक है, और उसके बाद लिमिट हटा दिए यहाँ से, तो यहाँ ध्यान दीजिए एफ है तो इसको हम लिख सकते हैं मोड वन माइनस, ऐसे पहले लिख लेते हैं पूरा। ठीक है, एफ डैश वन इक्वल टू लिमिट एच डैश जीरो, अब हो जाएगा यहाँ पर एक एच वन, ठीक है, एफ जीरो, ऐसे सीधा जीरो लिख देते हैं। ठीक है, बटा एच हो गया। ठीक है, अब जीरो हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, लिमिट्स एच टेंस टू जीरो, अब इसका मान क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच, यहाँ पर माइनस लिखना है। ठीक है, माइनस माइनस है ना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस यहाँ ले लिए। ठीक है, तब इसको हम आपस में क्या कर देते हैं, काट देते हैं। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस नहीं, ठीक, एच हो गया और यहाँ पर हो गया, तो इसको हम काटेंगे तो क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा माइनस, यानी एफ डैश वन क्या है आपका, नॉट इक्वल टू है आर एच एल, नॉट इक्वल टू एल एच एल। ठीक है, आप लिख सकते हैं, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये आपका 10वां क्वेश्चन था। चलिए इसी तरह वीडियो देखने के लिए आप, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए यहाँ तक आ गए हैं तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।